उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद जहां पंचायत चुनाव को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति जो सामान्य वर्ग से आता है, उसने आरक्षण में सीट बदलने पर ओबीसी से बिलोंग करने वाली लड़की से शादी कर ली और चुनाव की तैयारी में जुट गया है। मामला है देवरिया जनपद के तरकुलवा ब्लॉक के नारायणपुर गांव का, जहां के रहने वाले सरफराज सामान्य वर्ग में आते हैं। 2015 के ग्राम प्रधानी चुनाव में नारायणपुर सामान्य सीट थी और सरफराज चुनाव लड़े थे और 27 वोटों से चुनाव हार गए थे। सरफराज शेख मुस्लिम हैं और सामान्य कोटे में आते हैं। इस बार सरफराज का गांव का चयन ओबीसी कोटे में हो गया। अब सरफराज के सामने संकट पैदा हो गया कि वह चुनाव कैसे लड़ेंगे। तब सरफराज ने एक तरकीब सोची और अपने बेटे सिराज की शादी मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करने वाली ओबीसी कोटे में आने वाली सलमा खातून अंसारी से तय कर दी, जिसके चलते वह अपनी बहू को आसानी से चुनाव लड़ा सकेंगे। सरफराज का कहना है कि पिछली बार मैं 27 वोटों से चुनाव हारा था, इस बार मेरा गांव ओबीसी हो गया है, तो गांव वालों ने मुझसे कहा कि आप अपने बेटे की शादी ओबीसी में कर दो। तब हमने फेसबुक के जरिए लोगों से कहा तो दर्जनों शादी के रिश्ते आए। उसी में हमने कुशीनगर की रहने वाली सलमा से अपने बेटे की शादी कर दी। वहीं सरोज सिराज का कहना है कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, जाति में विश्वास नहीं करता हूँ, मेरी पत्नी अब चुनाव लड़ेंगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए सरफराज ने अपने बेटे की शादी ओबीसी में की है, सरफराज एक अच्छे आदमी है। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं 2015 में ग्राम सभा का चुनाव लड़ा था सामान्य सीट पर और मैं दूसरे नंबर पर रह के चुनाव हार गया था। फिर भी मैं गाँव में कंटिन्यू समाज में रहा। इस बार आरक्षण बदल गया, ओबीसी सीट हो गई ग्राम सभा की, तो गांव के लोगों का ये दबाव था कि चुनाव लड़ा जाए। जिस तरह से भी आप व्यवस्था बनाई है, तो मैंने अपने हमारा एक ही बेटा था सिराज नाम का, तो मैंने उसका रिश्ता अंसारी बिरादरी में से मांगा फेसबुक के माध्यम से कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, जिससे मैं कुशीनगर ज़िले से एक रिश्ता मिल गया। तो मैंने बच्चे की शादी निकाह सगाई 3 दिन पहले कुशीनगर में कर दिया और 2 दिन पहले परसों रात को मैं अपने घर पे बच्चे का निकाह शादी धूमधाम से कर दी। मतलब चुनाव लड़ने के लिए शादी आपने की? जी, ओबीसी सीट हो जाने से कि मेरी बहू आएगी चुनाव लड़ लेगी, इसीलिए मैंने शादी कर दिया और मेरी बहू भी मिल जाएगी, मुझे बहू चाहिए था, लड़का है, तो इसके लिए मैंने शादी कर लिया। क्या नाम है? सरफराज अहमद, नारायणपुर ब्लॉक तरकुलवा जिला देवरिया। शर्मा है, मैं इस ग्राम सभा का निवासी हूँ और पिछले वर्ष कुछ मामूली वोटों से सरफराज अहमद चुनाव हार गए थे, जिससे इस बार आरक्षण का लाभ लेने के लिए हम लोगों ने अंसारी बिरादरी के लड़की से शादी कराया है, जिससे कि वह चुनाव लड़ सकें। एक रिश्ता हमको जम गया यहीं नदी हो पार पर जौरा बाजार में, एक प्रधान जी होने की लड़की, तो रिश्ता फाइनल हो गया 2 दिन पहले रातों रात। नाम लड़वा दिया है ना? हाँ, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ गया उसका, वोटर लिस्ट में अभी बीएलओ से करवा के बीएलओ छुट्टी पर। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अहमद है, मैं ग्राम नारायणपुर जिला देवरिया का रहवासी हूँ। चूँकि विगत 10 वर्षों से हमारे पिताजी ग्राम सभा नारायणपुर की सेवा करते आ रहे हैं, इस वर्ष आरक्षण सूची आई उसमें ओबीसी सीट आया, जिससे हम चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे थे। हमारे दुख सुख के साथ ही हमारे ग्राम सभा के लोगों ने कहा कि आपको किसी भी तरह चुनाव लड़ना है, तो हमने पिताजी से कहा कि हमारी शादी ओबीसी में कर दी जाए, क्योंकि हम 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा हैं और हम जात पात पे विश्वास नहीं करते, हमारा एक ही जात है और हम एक ही जात पे विश्वास करते हैं और वो है समाज और समाज की सेवा करना। क्या मतलब पत्नी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे? जी सर, पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे और गांव की सेवा करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद सिराज अहमद है।